Hi guys, you are watching HPTV Yuva क्योंकि इस ज़माना है We the Youngsters का and welcome you all in our special show खातेर हो जिसमें हम आपको लेकर चलते हैं जब के different food stations पे और बताते हैं वहाँ का जायका. Well, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना हमारी दिन की शुरुआत नहीं होती. Of course, चाय इसके बिना हमारी आँख नहीं खुलती यार. लेकिन इतनी गर्मी में अगर हम चाय पीने के बारे में सोचें तो थोड़ा सा जमता नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है, ऊपर से हम चाय पिए तो यार थोड़ा सा यू नो हैक्टिक सा हो जाता है, समझ में ही नहीं आता. लेकिन इसलिए आज हम बात करेंगे आइस टी के बारे में. आइस टी जो कि एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आपको एकदम फ्रेश कर देती है. आइस टी की जो शुरुआत है सबसे पहले हुई थी ऑस्ट्रिया में, उसके बाद वो वर्ल्ड वाइड होती गई और सभी जगह फेमस होती गई. और अब इंडिया में भी आइस टी की इतनी ज़्यादा डिमांड है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आइस टी को पीना. और अब जैसे गर्मी का मौसम है तो सभी चाहते हैं कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो, कुछ ठंडा हो. और कई लोग प्रेफर करते हैं कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है. तो इससे अच्छा है कि हम आइस टी को प्रेफरेंस दें. आइस टी जो है इसकी बहुत सारी खासियत है. आप इसे कोई भी फ्लेवर में बना सकते हैं, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो पीच हो. और जो पीच और लेमन के साथ जो फ्लेवर में आइस टी बनती है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. और पीने में तो टेस्टी होती है लेकिन साथ में हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है. आइस टी की बात चली रही है तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह टी ट्रेडिशन जहाँ की आइस टी बहुत फेमस है. वेल, अभी हमारे साथ है टी ट्रेडिशन के ओनर जसमीत जी. जसमीत जी, आप ये बताइए कि मैंने सुना है यहाँ की आइस टी बहुत फेमस है, तो ऐसी क्या खास बात है उसके अंदर? वेल, अगर यंगस्टर्स की बात कही जाए, जनरली जहाँ पर भी वो आइस टी लेते हैं वो एक प्रीमिक्स से बनता है. एक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसके अंदर, आर्टिफिशियल टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है. लेकिन हमारे यहाँ के आइस टी में सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग उसको फ्रेशली ब्रू करते हैं डेली. फिर उसमें हम लोग जो कस्टमर्स को जो फ्लेवर्स चाहिए वो बहुत ही बैलेंस तरीके से हम लोग उसमें देते हैं, जैसे कि शुगर हो गया या टी की हार्डनेस हो गई या फिर फ्रूटी फ्लेवर्स हो गया, लेमन डलता है, पीच डलता है, ये हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें ऐड करते हैं, बहुत ही बैलेंस तरीके से देते हैं. और तभी मेरे हिसाब से वो इतने सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो फ्रेश है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है. ओके, वेल जसमीत जी, ये बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन से फ्लेवर की आइस टी अवेलेबल है? शुरुआत हमने दो से ही करी थी, लेमन और लेमन मिंट. लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स को पसंद आती गई, डिमांड आती गई, हमने बहुत सारे फ्रूटी फ्लेवर्स ऐड किए हैं. लीची डाला, एप्पल डाला, पीच, समर्स के हिसाब से वाटरमेलन डाला और अपना ऑरेंज फ्लेवर डाला. अब इतनी सारी आइस टीज होने के बाद भी कस्टमर्स की प्रेफरेंस हेल्थ को लेके ज़्यादा होती है, क्योंकि आइस टी से हम लोग जो प्रमोट करना चाहते हैं वो हेल्थ प्रमोट करना चाहते हैं. तो फिर हम लोगों ने और वेरिएशन करी, ग्रीन टी के ऊपर आइस टी बनाई, उसमें ग्रीन एप्पल का टेस्ट डाला, वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. इस तरह हम लोग और ऐड करेंगे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा. लिमिटेशंस कोई नहीं है आइस टी के साथ, हम लोग जितना चाहें उतना खेल सकते हैं. कस्टमर्स को जैसा जैसा पसंद आता जाएगा हम लोग वैसे वैसे आगे लेके जाएंगे. वेल जसमीत जी, ये बताइए कि यंगस्टर्स जब यहाँ आते हैं तो ऐसी यहाँ की कौन सा फ्लेवर है आइस टी का जो सबसे ज़्यादा वो पीना पसंद करते हैं? यहाँ पे जब भी कोई आता है, जनरली जब पहली बार आइस टी ट्राई करता है तो हम लोग तो उनको लेमन या लेमन मिंट ही बोलते हैं. लेकिन जो ऑलरेडी पी चुके हैं, काफ़ी सारे फ्लेवर्स हमारे ट्राई कर चुके हैं, उनको जनरली पीच या फिर लेमन मिंट, ये दोनों आइस टीज़ हैं जो उनको बेहद पसंद आती हैं, जो वो लोग खुद भी पीते हैं या उनके साथ जो आते हैं उनको भी रेकमेंड करते हैं पीने के लिए. वेल, जयपुराइट्स की बात करूँ तो लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं आइस टी को? जयपुर में अभी ये चलन काफ़ी नया शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों में आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा पकड़ रहा है आइस टी का चलन सब पे ऊपर. पसंद काफ़ी आ रही है लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की डिमांड आती है. लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ा सा वेदर डिपेंडेंट हो जाता है. बाहर गर्मी है या मौसम थोड़ा गर्म सा है तो थोड़ा सा आइस टी पीने का मन करता है, ठंडा पीने का मन जनरली तभी करता है.
लेकिन अच्छी बात यह है कि जयपुर में 12 में से कम से कम 9 महीने गर्मी रहती है, तो काफ़ी आइस टी डिमांड में हमारी है। लेकिन जहाँ सर्दियाँ आती हैं या बारिशों का मौसम आता है तो फिर वो गर्म चाय की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, 9 महीने सुबह से लेकर दोपहर तक शाम तक आइस टी का एक अलग ही क्रेज़ है। वेल, बात भी बिल्कुल सही है। अगर मौसम है कुछ बारिश का तो हम इंडियंस को गरम गरम चाय के साथ गरम गरम पकौड़े खाना बहुत पसंद है, और अगर समर सीज़न है तो आइस टी इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि हम इंडियंस की कमजोरी है चाय पीना। वेल गाइज, अभी हमारे साथ है हरबंस। हरबंस आप ये बताइए कि आपको चाय पीना कितना ज़्यादा पसंद है? वेल, चाय पीना तो मुझे बहुत पसंद है, और किसको पसंद नहीं है। एक्चुअली इंडिया में सब चाय पीने के लिए ही सुबह उठते हैं। सुबह तो एक्चुअली चाय से ही होती है, बट ऑफकोर्स हाँ, लेकिन डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, तो चाय का जायका भी बदल जाता है। कभी सर्दी में तो ऑफकोर्स इट्स गोना बी अ हॉट टी इन द मॉर्निंग, लेकिन शाम पड़े अगर थोड़ी सी गर्मी रहती है तो आई एम रियली गोना गो फॉर नाइस टी। तो आइस टीज, हॉट टीज, डिफरेंट टीज, हर जगह टी मतलब चाहिए चाहिए, सुबह शाम दो टाइम तो एटलीस्ट इट इज़ अ मेंडेशन फॉर मी। वेल, आपको चाय पीना तो बहुत पसंद है, लेकिन आपको चाय पीना किसके साथ पसंद है? कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा पसंद है, मतलब फैमिली और फ्रेंड्स? वेल, चाय तो कंपनी कोई भी हो, चाय चाय होती है, तो चाय किसी के साथ भी पी जाए अच्छा लगता है। बट ऑफकोर्स जो डेली रूटीन है, ऑफकोर्स सुबह उठते ही फैमिली के साथ एक चाय हो ही जाती है, एंड इन द इवनिंग और समवेयर अराउंड तो ऑफकोर्स फ्रेंड के साथ बैठ के गपशप भी हो जाती है और चाय का मज़ा भी आ जाता है। हरबंस ने बताया कि उन्हें आइस टी बहुत पसंद है, तो हरबंस आप ये बताओ कि आइस टी में आपको ऐसा कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है? आइस टीज में एक्चुअली दिस डेज आइस टीज काफ़ी चर्चा में है, तो मतलब काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं हर जगह, बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स मिलते हैं पीने को, टेस्ट करने को। बट ऑफकोर्स आइस टीज का नाम लें और गर्मी हो और रिफ्रेशिंग कुछ चाहिए तो ऑफकोर्स लेमन आइस टी, मिंट होता है, लेमन मिंट होता है, सो लेमन आइस टी और लेमन मिंट आइस टी आर माई फेवरेट्स। वेल, हरबंस को आइस टी पीना बहुत पसंद है, और अभी उनसे जानते हैं कि आइस टी तो उनको पसंद ही है, लेकिन क्या वो फूडी है? वेल, फूडी हाँ, ऑफकोर्स फूडी हूँ मैं, दो इतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ आइसी है या कुछ है, इफ़ समथिंग इज़ देयर विद द बेवरेजेस तो ठीक है, कुछ साथ में स्नैक्स स्नैक्स होते हैं तो खा लिए जाते हैं। ओके, हरबंस ने बताया कि वो आइस टी तो उनको पसंद है, लेकिन वो फूडी भी बहुत है। आइस टी के साथ ऐसी कौन सा मतलब डिश है जो आपको ज़्यादा खाना पसंद है, ऐसा कौन सा स्नैक्स है जो आप पसंद करते हैं? वेल, आइस टीज के साथ यू कैन गो फॉर ऑफकोर्स देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, यू कैन गो फॉर पकौड़े, यू कैन गो फॉर फ्रेंच फ्राइज समटाइम्स, बिकॉज अगर मेरा थोड़ा पेट भरना है तो द बेस्ट थिंग ओवर हेयर इज़ आलू समोसा चाट, सो विच इज़ वेरी वेरी नाइस स्टफ, तो काफ़ी अच्छा हैवी ब्रंच भी हो जाता है एंड आइस टी के साथ रिफ्रेशिंग भी हो जाता है, सो आई डोंट माइंड हैविंग समोसा विद आइस टी। ओके, हरबंस ने बताया कि वो आइस टी के साथ कभी समोसा, कभी फ्रेंच फ्राइज और भी बहुत सारे स्नैक्स हैं जो ट्राई करते रहते हैं। जो आइस टी है मैंने इसको टेस्ट किया है, और इसका जो टेस्ट मिंट का टेस्ट है, लेमन का टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, मिंट का जो फ्रेगरेंस है बहुत ही अच्छी है, तो पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये, और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग भी है। तो आप, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जब भी आए तो ये आइस टी जो है, लेमन आइस टी ज़रूर ट्राई करें। वेल गाइज, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, अगले बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक हंसते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, हाँ खाते रहो।